कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पति अनुकूल प्रेम महाराजानी कौशल्यादि राणियों जेना पवित्र आचरण छे पति ने अनुकूल जीवन जीवे छे महाराजा राणियों ने बहुज प्रेम करे छे राजा ने राणी मळी अने पोताना महल मा हरि भजे छे त्रण ज वस्तु साहेब मैं अनेक वक्त आदो आवे त्यारे हूँ वर्षो थी बोलतो आयो ज्यारथी कथा शुरू करी त्यारथी बोलू कि पति पत्नी ने प्रेम करे पत्नी पोताना पति ने आदर आपे अने बन्ने जना मळी ने पोताना घरमा खानदानमा कुटुंबमा जे परंपरा प्रवाही होय अने एमा जे रीते हरिभजन थतुं होय ए थोड़ोक समय काढ़ी बन्ने जण हरि ने भजे एने घरे जे राम जेवा दीकरानो जन्म थशे आ सिवाय बीजुं कंई करवानुं जरूर रहती नथी जाय आ आटलुं ज थतुं नथी अने परिणामे गृहस्थाश्रमो बहुज बगड़ता है बहुज बगड़ता पति घरे आवीने पत्नी ने कीधु कि मारे ड्राइवर बदली नाखो चार वक्त ने एक्सिडेंट करता करता अटक्यो छु पत्नी कीधु एक वक्त मौको आपो मांड मांड चार वक्त बची गयो बोली बोली एक वक्त हजी मौको आपो आवा गृहस्थाश्रम में राम न जन्मे राम जेवा पुत्र नो जन्म थाय आटलू ज करवानुं नारी ने प्रेम जो तो है पुरुषे ने प्रेम आपवानो निष्कपट प्रेम खोटा प्रेम नहीं नाटकीय नहीं निष्कपट आर पार प्रेम अने पत्नी पुरुष में अहंकार नी प्रधानता होय छे एटले एने आदर आपे अने बन्ने जना कारण के प्रेम अने आदर बन्ने टकावा माटे सेतु बनशे हरिभजन अने जे हरिभजन करशे एने घरे प्रभु प्रगट महाराज नु दाम्पत्य आवु हतु परंतु पुत्र नी खामी हती कोने वेदना कहवी है दशरथ जी गुरुद्वार गए अपने त्या चार द्वार छे एक राजद्वार पुराना भारत नु दर्शन राजद्वार नगर द्वार गुरुद्वार देव द्वार चार द्वेदार देवस्थान ना द्वार होय त्या बधाने प्रवेश मळतो होय पण समयसर जाइए तो नहीं तो दरवाजा बंद थी जाए देवद्वार एनी महिमा छे बीजू राजद्वार राजद्वार में लोग न्याय माटे जता कि क्या ही न्याय न मळे राजदरबार में जाइने कहशो ए राजद्वार त्रीजु नगर द्वार अपने त्या किल्लाओनी व्यवस्था दुर्गोनी व्यवस्था हती एना दरवाजा होय एनो समय ए समय ज अंदर आवी जवानुं नहींतर पछी अतिथि बहार रही जाए नगर द्वार सुरक्षा माटे नगरना द्वारो पण नगर द्वार पण बंद थाय राजदरबार कचेरी विसर्जन थाय पछी राजदरबार में बीजो समय आपवामां आवे देव द्वार पण समा समाना दर्शन में बंद थाय पण एक एवो दरवाजो छे गुरुद्वार जे चौबीसे कलाक उघाड़ो रहेतो होय छे कोई पण साधक समीरो नथी अने जवाब मळतो नथी क्यारेक तो जवानी जरूर न पड़े साहेब फरी एक वक्त हूँ परवाज साहेब ना परवाज साहेब नुं छे कदा कि आम अहींया तमे विचारो या तो कही दे हूँ आवु छु આનું નામ ગુરુદ્વાર સિંહ પુકાર રાહત ઇન્દુર ભી સાહેબે લખ્યું ને કે હું આમ આમ કાગળ લખવાનો વિચાર કરું છું ત્યાં તો માળામાંથી પારેવા બહાર નીકળવા માંડે છે કબૂતરો કે ક્યારેક પત્ર લઈ જાઓ ક્યારેક પત્ર લઈ જાઓ આવી રીતનો રાહત ઇન્દુર ભી સાહેબ કે મનસુબો કરું છું કે મારે પત્ર લખું ખત ત્યાં તો ઘોસલામાંથી કબૂતર બહાર નીકળે કે મારે ગળે લટકાવી દો હમણાં પત્ર અમે પહોંચાડી દઈએ આવી રીતની જે ટેલિપથી સર્જાતી હોય છે ગુરુદ્વાર એ સર્વશ્રેષ્ઠ દ્વાર છે જ્યાં કોઈનો નિષેધ નહીં બધાનો સ્વીકાર હોય જ્યાં શુદ્ધ અવકાર હોય બધી જગ્યાએ ભટકીને થાકીએ પછી ક્યાં જવાનું
तेरे दर पे आना मेरा काम है, फिर मेरी बिगड़ी बनाना ये तो तेरा काम है। क्या चाहिए? मैं शब्द वापरियो तो आ कदम अपने हाथ पग वगैरह मानसो चाहे विकलांग मानसो नथी कर्मना ठिकाणा नथी गतिनी ठिकाणा। अपना आश्रय स्थानो अपना गुरु सिवाय बीजो कौन छे साहे? एटला माटे गुरु तारो पार न एन पारू एन पारू पृथ्वी ना मालिक जितने तो ये हमें गुरु तारो पार पृथ्वीना हे मालिक महाराज दशरथ जी राजद्वार आज गुरुद्वारे गया छे, पोताना दुख सुखो गाया। वशिष्ठ जी ने कहू बाप जी मारा भाग्य में पुत्र सुख नथी, शू हरे राजन तमे ब्रह्म जिज्ञासा करो तो हूँ ब्रह्म ने तमारा आंगणा में बाळक बनावी दऊं, पण आपे मने कहेवू तो जोईए। अने आ ब्रह्म नी जिज्ञासा बुढ़ापा में थाय ने तोय मोड़ू नथी थयुं। दशरथ जी नो बुढ़ापो आवी गयो, बचपण में थाय तो बहु सुंदर, कुमार अवस्था में थाय तो बहु सरस, युवानी में थाय तो बहु सरस, वानप्रस्थ में थाय बहु, पण कदाच छेल्ली अवस्था में चौथे पण परिस्थिति छे राजा नी चौथी अवस्था जिज्ञासा थाय तो सदगुरु शू न करे। कहू राजन आपने त्या चार पुत्रों नी प्राप्ति थशे। बाप जी हाँ, पण एक विधा माथी पास पसार थो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, अपने त्या पुत्र प्राप्ति नी प्रक्रिया ने यज्ञ नु नाम आप्यु छे। आ छे भारत नु दर्शन, एने आपणे भोगवाद नु नाम नथी आप्यु, एने एक यज्ञ नी प्रक्रिया मानी ने यज्ञ करायो छे। भक्ति सहित आहुतियों पाणी छे, छेल्ली आहुति नी साथे यज्ञ कुंड माथी अग्नि ना रूप मा यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट थया। यज्ञ ना दर्शको ये निहाळ्यु अने जय घोष थयो छे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, अग्नि नारायण भगवान की जय, वेद नारायण भगवान गुरु भगवान। यज्ञ पुरुष प्रकट थया छे, जय जयकार थयो, आत्मा प्रसाद नो चरु छे, अने यज्ञ पुरुषे प्रसाद वशिष्ठ जी ने आपता कहू, महाराज आप प्रसाद अवधपति ने आपजो अने कहजो यथा योग्य वेची आपे। आटलू कही यज्ञ पुरुष अदृश्य थया। आटलू मोटू महादान आपवा माटे यज्ञ पुरुष प्रगट थया, पण छतां आटलू मोटू दान आप्या पछी पण ए अदृश्य थया। दाताओ माटे आमांथी शिक्षा लेवा जेवी कि प्रभु अवसर आपे दान माटे, तो एम कहेवाय छे कि गमे ते रीते दान आपो कळियुगमां, पण बने त्यां सुधी दाता दान आपी पछी अदृश्य थई जाय, ए दाननो महादाननो महिमा बतावी। खैर दशरथजी प्रसाद पामे छे, पोतानी राणीओ ने बोलावी, प्रसादनी वेचनी थई, अर्धो भाग कौशल्याजी ने पा भाग कैकेयी ने पा भागना बे भाग करी कैकेयी कौशल्याना हाथोथी सुमित्राजी ने अपायो। प्रसाद नो अर्थ थाय कृपा, एवी कृपा थई कि त्रणेय राणीओ सगर्भा स्थितिनो अनुभव करे। समय सुखजूत वीतवा लाग्यो। गोस्वामीजी लखे छे आखा प्रकृति नी अंदर चारे बाजू विश्व मा प्रसन्नता ने शुकनो थवा लाग्या, कारण के हरि आववानी वेला छे। जो गलगन ग्रह बार तिथि सकल भय अरु अरु
चर।